नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज भाई लोगों दिल्ली आ रखे हैं, दिल्ली में चांदनी चौक। चांदनी चौक पर नई सड़क, पीपल वाली गली, वहां पे अपने एक भाई रहते हैं, सुईश नाम है उनका। पहले आपको उनसे मिलवाते हैं, फिर उनके शौक से मिलवाते हैं। आइए सर। ये अपने भाई हैं, सुईश भाई हैं, और यहाँ पे इनका विजिटिंग कार्ड्स का बिजनेस है, प्लस ये पेट लवर। हाँ, वेडिंग कार्ड्स का बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा पेट लवर हैं, बहुत बड़े शौकीन हैं, मेरे से भी बड़े वाले। और इनकी खास खूबी ये है कि ये बीमार कबूतरों को लाके ठीक करते हैं, ये इनकी हॉबी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि होना भी चाहिए। और कुछ हमारे भाइयों में ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे भाई सोचते हैं कि अगर कबूतर बीमार हो जाता तो या तो उसे पीर में छोड़ दो या उसे बाहर कहीं फेंक दो जाके, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो कुछ बताएं आप अपने बारे में, कितने टाइम से शौक कर रहे हैं आप और किस किस तरह की ब्रीड्स हैं आपके पास? समय कुछ ज़्यादा नहीं गुजारा है मैंने, बट एक नुकसान मेरे साथ हुआ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक नुकसान हुआ मेरे साथ। मैं कुछ परिंदे खरीद के लेके आया पंजाब से, बट वो छुपा के मैं लेके आया, प्रॉपर उनको एयर नहीं मिली। और शुरुआती दौर के अंदर ही मेरे मैक्सिमम 20 कबूतरों में से 18 कबूतर ख़त्म हो गए। तब से मेरे को इस चीज़ की घबराहट रही कि मैं अगर कोई परिंदा रखूं या जानवर रखूं तो कम से कम एटलीस्ट मेरे को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए उसके ट्रीटमेंट्स वगैरह को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। तो लिहाजा इस मैं तादाद में कबूतर पालूं उससे बेहतर मैंने कहा पहले मैं इनकी केयर करना जानू, केयर करना जानू, फिर बीमार हो जाए परिंदा आपका या जानवर आप उसको साइड कर दो, बहुत बेहतर। आप किसी और को दे देते हो, किसी हॉस्पिटल में दे देते हो जिसके अंदर आप तवज्जो नहीं दे पाते, नहीं देख पाते कि उसका हाल क्या हुआ। कम से कम कोशिश आप ये करें कि अपने साथ रखें, वो आपका फैमिली मेम्बर हो चुके हैं, आपके घर का खाना खिला रहे हो। जब तक आपको उसकी रौनक, उसकी खिलखिलाहट आपको खुशी दे रही है, तब तक वो आपके लिए मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस समय उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई या कुछ हो गई, आपके लिए वो बेकार हो गई चीज़, आप उसके कंपैरिजन किसी और बेहतर चीज़। आज के टाइम में बहुत भाई ऐसे हैं, अभी पीछे एक भाई का मेरे पे कॉल भी आया था कि भाई कबूतर के अपना ये दिक्कत हो गई है तो मैं छोड़ा हूँ उसे बाहर। मैंने ये बता, कल को अगर तू बीमार होगा तो तेरे माँ बाप तेरे को छोड़ देंगे बाहर क्या? तो भाई सबसे पहली चीज़ तो है कि आप क्योर करें, कोशिश करें, हद से हद कोशिश करें बचाने की। उसे नहीं बच पा रहा आपको तो आप नज़दीकी कोई अस्पताल है वहाँ दिखाएं या कुछ भी करें, लेकिन करें एटलीस्ट तब तक करें जब तक वो ज़िंदा है आपके पास। मर जाएगा तो देखिए वो कुदरत का ऊपर लिखा हुआ है, वो मरना ही मरना, हर इंसान ने मरना है, जानवर ने भी मरना है, लेकिन अपनी तरह से कोशिश पूरी कीजिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं लॉफ्ट की ओर, आपको ब्रीड्स दिखाते हैं और फिर एक बार केयर टेकर ये नहीं है साहब, बताओ, सिर्फ मालिक हैं आगे, केयर टेकर अभी हमारा वो नीचे है, अभी अभी थोड़ी देर में आपको उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। फ्रेंड्स अंदर आ चुके हैं और ये कुछ इस तरीके का सेटअप है भैया का, जिसमें कि आपको बहुत भाइयों की फरमाइश आ रही थी कि फैंसी ब्रीड्स दिखाएं, फैंसी, तो भाई टोटली फैंसी ब्रीड्स हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर नहीं कहूँगा लेकिन आधे कह सकता हूँ, आधे इसमें बीमार हैं, आधे इसमें ठीक हैं। बीमार कैसे हैं, किसी के गांठ हो रही है, किसी के पॉक्स हो रही है, ज़्यादातर यही बीमारी है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन काफ़ी हद तक बड़े भाई ने मेहनत करी इनके साथ में और काफ़ी हद तक इन्हें बचा के रखा है अभी तक, और ये ठीक भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे आपको, जैसे कि ये फैंटेल्स हैं। पहले तो आपको मैं फैंटेल्स का एक पेयर दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार पेयर है, सामने की तरफ लॉफ्ट में अगर आप देख रहे हैं राइट साइड पर वो रहा, उसको आपको क्लोजअप दिखाता हूँ बिल्कुल। लो भाई लोगो, ये पेयर है, देखिए ये साइज है इसका, इसे कहते हैं प्योर फैंटेल। आप बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास भी है, भाई वो दिल्ली वाला माल अलग होता है, ये बांग्लादेश का होता है। आप इसके बूट्स देखें, आपको पकड़ के दिखाता हूँ, ये वेट इसका, एक तो वेट हो गया, एक इसकी पूंछ का जो फैलाव है, मेन चीज़ वो है कि इसकी पूंछ में फैलाव आना चाहिए इस तरीके का, ये देखिए, ठीक है। इसके बूट्स देखिए आप कितने शानदार हैं, ये देखिए, एक गर्दन के अंदर हल्की सी ठुमेर देखेंगे आप, गर्दन लगातार हल्की हल्की हिलती रहती है, तो वो चीज़ें देखने लायक होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, कलर बहुत सारे हैं भाई के पास, जैसे कि नीचे एक आपको ब्लैक दिखाते हैं इसी में, ये देखिए एक ब्लैक है और एक ये रेड आया, देखिए इधर की तरफ रेड है,
ये लाल लको में आ गया आपका, जैसे हमारे अगर पंजाबी कबूतर होता है या मद्रासी होता है या देसी होता तो तांबड़े कहते हैं इन्हें, तो उन तांबड़ों में निकली हुई ब्रीड है ये, प्योर लको में है। उसके अलावा ये देखिए दो लक्के यहाँ पे हैं, ये वाइट, ये फिलहाल अंडर प्रिकॉशन है, अभी इसके गांठ बन गई थी, पॉक्स हो गए थे, अब काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन प्रॉपर वे में भी ठीक नहीं है ये वाला। ये पेयर देखिए सेंटिनेंट्स है, ये ब्रीडिंग पेयर्स हैं इनके पास, और आपको इसकी मार्किंग दिखा देते हैं, इसको अलग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये देखिए ये तो पूछ की मार्किंग है, जो पहले आपको रईस भाई के यहाँ दिखाए थे वो उसकी मार्किंग इतनी प्रॉपर नहीं थी जितनी इसकी प्रॉपर है, इसकी हर टेल के ऊपर मार्किंग बनी हुई है, प्लस ये इसके फेदर्स हैं, बहुत ही प्यारी मार्किंग में है, और छोड़ के भी दिखाते हैं आपको इसे। ये देखिए ये है ब्राउन लके हैं, ये देखिए ब्राउन कलर में है, साइज इसका भी बहुत ही सुंदर है, बॉक्सेस देखिए कितने अच्छे बना रखे हैं ब्रीडिंग के पर्पज से, बहुत ही बढ़िया बना रखा है बॉक्स ताकि ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी किसी भी तरीके की। अब ये देखिए ये मेरा हाथ है और यहाँ तक का कम से कम 3 फुट तो ये ऐसा होगा, और कम से कम 2 फुट ऐसे है और 2 फुट ऐसे है, 2 फुट बाय 2 फुट बाय 3 फुट का एक बॉक्स है। यहाँ पे आते हैं एक पेयर, ये है भाई चाइनीज आउल, ये देखिए ये देखिए आगे से इनका ये फेदर उठे होते हैं हल्के से, चोंच इसकी बारीक होती है जैसे दूसरे कबूतरों की बारीक होती है सेंटिनेंट्स वगैरह की। ये देखिए चेस्ट पे पंख फूल की तरह होता है, हाँ ये चीज़ ये फूल की तरह होती है पूरी प्रॉपर, ये पैरों में बूट्स नहीं होते इनके, जो प्योरिटी होती है इनकी। और ये देखिए बाकी उड़ान का कबूतर नहीं है लेकिन मैं दिखा उड़ान वाले की तरह ही रहा हूँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मेरे पे सारे उड़ान वाले ही हैं, आज फर्स्ट वीडियो है फैंसी को लेकर के। एक ब्रीड भाई ये ब्रेडिनेट्स होते हैं, होते सेंटिनेंट की तरह ही हैं देखने में लेकिन ब्रीड अलग है ये अली, ठीक है ये देखिए। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं अभी, इनका प्यार देखो इंसानों से बढ़िया तो साले यही हैं, मैं इनके लिए नया हूँ उसके बाद भी देखिए इसे कहते हैं फॉल इन लव। तो भाई ये देखिए ये ब्लडनेट्स हैं, छोटे हैं बिल्कुल, आकार बहुत छोटा है इनका, बिल्कुल ना के बराबर है, ये देखिए एक हाथ के मान सकते हैं आप। और ये ब्रीडिंग पेयर है, इसके चिक्स भी हैं यहाँ पे, चिक्स अगर देखना चाहें तो आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे की उसमें अलमारी में अलमीरा है जो उसमें नीचे पड़े हैं, ये हैं ब्लडनेट्स के चिक्स, ये सेंटेंट्स के हैं लेकिन ब्लडनेट्स पाल रहे हैं ठीक है ना, वो अभी अच्छा अंडे हेर फेर किए होंगे, नहीं अंडे हेर फेर नहीं, ये आपके पास। चलिए एक आपने देखा होगा जैकोबियंस देखे होंगे जो कि इम्पोर्टेड ब्रीड्स में आते हैं, लेकिन हमारी एक इंडियन ब्रीड है, हमारे इंडिया वालों को थोड़ा सा एक आपको रहता है पता कि क्रॉस ब्रीड निकलवाना जरूर है, तो इंडिया की जो ब्रीड है वो नकाबपोश उसे कहते हैं, ये है जो उसका अंग्रेजी वर्जन जो है वो तो जैकोबियंस है, ओल्ड डच कैपुचाइन, ओल्ड डच कैपुचाइन, ओल्ड डच, लेकिन जो जैकोबियंस है उसके अकॉर्डिंग तो उसका फेदर तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसका इसके पीछे जैक बनता है पंखे की तरह, हाँ वो तो बहुत बड़ा होता है, हाँ ये देखिए इसे कहते हैं क्वालिटी। ये फिलहाल अभी आपको जितने दिखाए हैं सब अभी फिलहाल जितने भी हैं सब ठीक वाले हैं, अभी जो थोड़े बीमार हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं उसमें। तो ये जैकोबियंस में आते हैं, कॉलर बना हुआ है कम्प्लीट, जैसे गुंडे रखते हैं हल्का हल्का उसी टाइप है। ये सभी कबूतरों को खोल दिया गया है, सभी बाहर आ चुके हैं और इन्हें लग रहा है दाना मेरे पास में है, भैया बीच में बैठे खिलाएं जैसे खिलाते हैं आप, जैसे ही खाते हैं आके आपके पास। ये देखिए
ज़्यादातर फैंटेल्स हैं और जैकोबियंस भी हैं इसमें, ब्लडनेट्स भी हैं, सेंटिनेट्स भी हैं, इंग्लिश कैरियर्स भी हैं इसके अंदर और इम्पोर्टेड कैरियर भी है। इम्पोर्टेड कैरियर भैया के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, अभी आपको वो दिखाते हैं उसमें पकड़ के। अभी भैया ने जितना भी जितने रोटी है सब नीचे डाल दी जल्दी जल्दी, नहीं तो ये भैया के सर के ऊपर बैठ के खाने वालों में से हैं। क्यों भैया? बिल्कुल हाथ से छीन के। ये देखिए मज़ा उस चीज़ में आता है, कोई चीज़ अगर आप पाल रहे हैं तो उसके साथ इतना प्यार कीजिए कि वो आपसे प्यार करने लगे। सिर्फ फॉर द टाइमिंग, एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आप पाल रहे हैं। आधे लोग इसलिए पालते हैं कि कबूतरबाजी शुरू करिए, शर्त उड़ानी है। शर्त उड़ा के यार क्या घुया खेत में, क्या करोगे यार? अब मैंने आज तक नहीं उड़ाई साहब, बताऊँ शर्त आपको? आपने तो सिर्फ जुआ खेलने के लिए कबूतरबाजी सीखी है, आप प्यार नहीं करते उनसे, इसका मतलब आपने सिर्फ कबूतरबाजी करनी है, उसमें आपने ये पता करना है गोली कौन सी लगेगी। एक छूटते ही आपका सिर्फ फ़ोन आना है कि गोली बताएं कौन सी लगनी है, उसकी संभाल आज तक ईमानदारी से भैया किसी ने नहीं पूछी कि कबूतर जब वापसी आएगा ना गोली लगा हुआ तो उसे कैसे बचाना चाहिए। गोली का हर एक को पता है कि ये लगेगी ये लगेगी, लेकिन संभाल किसी को भी नहीं पता और आखिरी में होता है कबूतर डेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स साइज देखें और बताएं कमेंट में कि कैसे लगे ये कबूतर आपको। ये देखिए भाई लोगों, ये है केयर टेकर इन कबूतरों का, ये डेली इन्हीं के साथ रहता है, इनकी पूरी देखभाल यही करता है। ये देखिए बिल्कुल टच पे चलता है और कबूतर भी नहीं डरते इससे, क्योंकि डेली यही इन्हें घुमाता फिराता है पूरी छत के ऊपर, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, और मुझसे बहुत नाराज़ है ये। ये देखो ये पूरा ख्याल रखता है, यहाँ तक इतना ख्याल रखता है कि मुझसे इतना चिढ़ा हुआ है। आज पॉपी तेरे सारे कबूतर मैं लेके जाऊँगा, ध्यान रखियो आज। हाँ अब लॉफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है डॉगी, और डॉगी अगर लॉफ्ट के अंदर आता है हाँ सारे ले जाऊँ कबूतर। फ्रेंड्स देखा आपने, आज आपको फैंसी ब्रीड दिखाई, लेकिन फैंसी ब्रीड से ज़्यादा यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली होगी, प्यार, जो कि बड़े भैया का कबूतरों से है। और हमारे जो केयर टेकर साहब अभी नीचे गए, पॉपी, मिस्टर पॉपी हैं और जो केयर टेकिंग करते हैं यहाँ की, उनका प्यार। तो भाई इसी तरीके से अपने पंछियों से प्यार करें आप भी, और इसी मैसेज के साथ में फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। और अच्छी लगे तो भाई लाइक कीजिएगा, बुरी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट में अपना कमेंट सजेशन डाल सकते हैं कि इसमें और क्या क्या ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी ये लॉफ्ट आज दिखाया है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये सेटअप टोटली कंप्लीट चेंज होगा यहाँ पे, इस बात की गारंटी है। और शौक करें, अच्छा करें, जैसे कि बड़े भाई ने कहा कम पालें लेकिन अच्छे पालें, और मेन चीज़ है ट्रीटमेंट उनका, इनकी देखभाल, जब बीमार हो तो उसकी देखभाल करें भाई। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।